वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का सिक्स सेमेस्टर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। ये एक मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेमेस्टर है, ठीक है। आज हम इसमें इसके एग्जाम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन सी दैट कि बीएससी सेकंड ईयर और एनुअल एग्जामिनेशन पेपर है 2018 का। सो गाइज, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स 15, मतलब 50 नंबर का ये पूरा पेपर है। एंड आपको टाइमिंग दी जाएगी 3 आवर्स की, पूरे 3 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा बता दें इस एग्जाम पेपर के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में। देखिए, दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शन। ये जो पूरा पेपर है ये 5 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए की बात करता हूँ, ठीक है। सेक्शन ए सबसे इम्पॉर्टेंट और परसेंटेज मेकिंग सेक्शन है। इसे मैं परसेंटेज बनाने वाला सेक्शन मानता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यही आपकी परसेंटेज बनाता है, ठीक है। सेक्शन ए पूरे 20 नंबर का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे, वो सब के सब शॉर्ट है। आपको लगभग 14 या 15 वर्ड्स में आपको वहाँ पर उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन 14 एंड 15 वर्ड्स में करना होगा, या फिर आप समझ सकते हैं कि आपको एक पेज जो है पूरी तरह से उसे भरना पड़ेगा। चलिए, अब जैसा कि आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 धाम 20 नंबर का पूरा सेक्शन है। सेक्शन ए की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन आया है ऑस्ट्रेलियन रीजन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन रीजन के ऊपर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉसिल्स के ऊपर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरिएशंस क्या होती हैं, मिलर एक्सपेरिमेंट 2 नंबर में। ऊजेनेसिस क्या होता है, रेडियल एंड स्पायरल क्लीवेज क्या होता है, एंड ब्लास्टुलेशंस क्या होता है, एलेंटोइस क्या होता है, फैट मैप क्या होता है, और वेस्टिकल ऑर्गेन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि प्रीवियस एग्जाम पेपर में ना आया हो। सो गाइज, दिस इज़ अ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाएं, और आपको इस चैनल के अंदर भी ये सब क्वेश्चंस धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। चलिए बात करते हैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। अब यहाँ पर जो भी सेक्शन है आपको दिखाई दे रहा है, सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका सेक्शन बी की अगर हम देखें बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन हमेशा सबसे पहले केयरफुल्ली होकर के पढ़े, ठीक है। ये नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ा और सब वही मीनिंग निकाल लिया जो पहले से याद करके आया हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच जियोग्राफिकल रीजन इंडिया इज इंक्लूडेड, मतलब कि किस जियोग्राफिकल रीजन में इंडिया इंक्लूड है, एंड गिव द बाउंड्रीज ऑफ दिस रीजन एंड डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स फन्ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, भारत किस जंतु भौगोलिक परिमंडल में स्थित है और इस परिमंडल की सीमाओं एवं विभिन्न प्राणी जात का वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबसे अच्छा सेमेस्टर है, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शनली। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये 7.5 नंबर का सेक्शन बी है और इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी आपको आता हो। यहाँ पर क्वेश्चन है, भू वैज्ञानिक कल्पों का वर्णन करते हुए मीसोजोइक युग में पाए जाने वाले जितने भी जंतु हैं उनके बारे में उल्लेख कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो इन दोनों में से आई होप आप इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ऊपर वाला, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब क्वेश्चन आपको वो सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो। सपोज करो कि आप इससे ज़्यादा इसके बारे में जानते हो तो आप इसे सिलेक्ट करो, ठीक है, जिसे आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। सेक्शन सी की बात करते हैं, डर्विन के प्राकृतिक वर्ण एवं जातियों के उद्भवन का वर्णन कीजिए, गिव एन अकाउंट ऑफ डर्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, विच इज़ अ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है, इसके बारे में आप पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा और मैं चैनल पर जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो सेक्शन सी में एक तो क्वेश्चन वो वाला आया, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस, ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस क्या है, मतलब जैव विकास क्या है, गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन फ्रॉम द होमोलोगस एंड एनालोगस। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें जब हम कुछ सीखते हैं तब हमें मज़ा बहुत आता है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट की बात हुई है, कैसे किस तरह से डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस के बारे में। सेक्शन डी की बात करते हैं,
सेक्शन डी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सेक्शन, अगर आपको लगता है सेक्शन सी में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, डार्विन की जो नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी थी और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी उसे अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप उसे एक्सप्लेन करें। अगर आपको ये पसंद हो, मतलब ये इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन स्पर्म्स एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन को मैंने क्या कहा, ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, तुरंत ह्यूमन का स्पर्म्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि हमने सबसे पहले क्वेश्चन को तो पढ़ो ध्यान से, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन स्पर्म्स, मतलब स्तनधारी में। अब आप ही नहीं हो मैमल्स, मैमल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कुत्ता बिल्ली ये सब मैमल्स में आते हैं। तो यहाँ पर इन सभी के स्पर्म्स के बारे में पूछा गया है। सो इनके सभी के स्पर्म्स कैसे होते हैं उसके बारे में पूछा गया है, और फाइनली आपसे पूछा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, कि कैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप वहाँ पर जो मैमल्स होता है उनके टेस्टिस के अंदर किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, वही प्रोसेस यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आप ह्यूमन का ही, मतलब कि ह्यूमन बींग्स, मतलब मनुष्य के टेस्टिस में कैसे स्पर्म्स बनता है, या फिर मनुष्य के स्पर्म्स की स्ट्रक्चर को नहीं बनाना, यहाँ पर कुछ मैमल्स के एग्जांपल लेकर के वहाँ पर बताना है कि कुछ मैमल्स में जो इसका एपिकल पार्ट होता है ये इस तरह का होता है, इसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो कि लाइटिंग करता है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेस आपको वहाँ पर मैमल्स से रिलेटेड बताने होंगे, पर्टिकुलर ह्यूमंस के नहीं। अब यहाँ पर इसके ऑप्शनली क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विद डायग्राम। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, अब कौन किस फर्टिलाइजेशन की बात हुई है, जब स्पर्म्स एंड ओवम इन दोनों का आपस में होता है फर्टिलाइजेशन, जब इनके डीएनए आपस में फ्यूज होते हैं तो बनता है जायगॉट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले और बाद की पूरी स्ट्रक्चर को आपको वहाँ पर समझाना होगा। तो आई होप आप इसे सेलेक्ट करोगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी इजी, एंड इसमें दो तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बताओगे, फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताओगे, डेफिनेटली 7.5 नंबर मिलेगा, बट यहाँ पर आपको 5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आप इसे एक्सप्लेन कर दो। तो यही तो होता है क्वेश्चन सिलेक्शन। एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी को क्वेश्चन दोनों आता है, लेकिन वो सिलेक्ट कौन सा करता है जिसे वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। चलिए सेक्शन नंबर ई की बात करते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न ऑफ एग्स। अब यहाँ पर अंडे के अंदर होने वाले विदलन क्लीवेज के बारे में बात हुई है, उसमें कितने तरह का क्लीवेज पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। अभी आप सिर्फ ये देखो कि एग्जाम पेपर में आप किस तरह से पढ़ते हो और एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसके ऑप्शनली क्वेश्चन आया है, प्लेसेंटा पर एक निबंध लिखना है, ठीक है, और राइट एन एसे ऑन प्लेसेंटा इन मैमल्स, गिव द सूटेबल डायग्राम्स ऑल्सो। प्लेसेंटा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये एम्ब्रायो को ऑक्सीजन से लेकर फूड से लेकर ब्लड से लेकर बहुत सारे प्रोसेस उसे प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बहुत सारे जो सुविधाएँ हैं प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है शिशु को, जो भी उसमें एग एम्ब्रायो है उसको मिलता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखें, इसे मैं अपलोड कर दूंगा, बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना है कि इस एक भी क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिए, सभी क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करना होगा। और फाइनली मैं बताना चाहूंगा एक और एक्सपीरियंस, सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, अगर आपको सपोज करो सेक्शन ए में सबके सब क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन हैं तो 8 क्वेश्चन भी अगर आपको आते हैं, तो सबसे पहले आप सेक्शन ए को चूज करें, ठीक है, और उसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें। और स्टार्टिंग में एग्जाम पेपर में जब आप सोल्व करने जाते हो तो स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे हैंड राइटिंग में, ठीक है। लास्ट में जाते जाते आई थिंक मुझे पता है कि समय कम होने की वजह से आप फटाफट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इस ये चीज़ एग्जामिनर के भी दिमाग में आ जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एग्जामिनर को दिखाएं, प्रभावित करें कि मेरी हैंड राइटिंग रियल इस तरह की है, लेकिन अगर मैं बहुत तेज़ी से लिखना स्टार्ट करता हूँ तब मेरी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। तो कुल मिला जुला कल फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है कि आप एग्जामिनर को कितना प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ही नंबर देगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको यहाँ पर इस एग्जाम पेपर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इन एग्जाम पेपर को मैं धीरे धीरे इस चैनल पर अपलोड करूंगा। ये बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।